करने से आपके कार्य में देरी होगी। पेट के रोगों से बचाव करें, रुके काम में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग है लाल, आज वस्त्र का दान करिए, बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है, वाणी पर संयम रखना होगा। नया व्यापार शुरू ना करें, शुभ रंग है कत्थई, आज शिव मंत्रों का जाप करें। बात करते मिथुन राशि, आज जोखिम भरे कार्य ना करें, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आजीविका में बदलाव नहीं करना है, शुभ रंग है जामुनी, आज विष्णु जी को पीले फल जरूर अर्पित करें। आइए मित्रों बात करते हैं पहले उस महोपाय की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है। पीले फूलों की माला और गुलाब का इत्र देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। एक कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला से ओम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ अवश्य होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि। कर्क राशि, साझेदारी में विवाद से थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ सकती है, आज आपको धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा। समय पर मित्र की मदद करें, शुभ रंग है जामुनी, आज बुजुर्गों के नाम से जरूरतमंद लोगों को दान कर दें तो आपकी सेहत की समस्या खत्म हो सकती है। सिंह राशि, आज धन का अपव्यय ना करें, फिजूल खर्ची से बचें। मित्र से अलगाव खत्म होगा, किसी पुराने मित्र से आज मेल मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, आज भगवान भैरव को गुड़ का भोग लगाएं और उसका सेवन जरूर करें। कन्या राशि, कार्यस्थल पर कोई बदलाव ना करें, नए अवसर की प्राप्ति होगी। शाम तक मन की इच्छा पूरी होने का योग है, शुभ रंग होगा गेरुआ, आज उपाय के तौर पर खट्टे मीठे फलों का दान जरूर करें। आइए मित्रों बात करते हैं उस महा उपाय की जो आजीविका की समस्या को खत्म कर सकता है। देवी सरस्वती के 108 नामों का आपको जाप करना होगा और निर्धन कन्याओं को मिठाई खिलानी होगी। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाइए, ये छोटा सा महा उपाय आपकी आजीविका के तमाम समस्याओं को खत्म करके कार्य को सिद्ध कर देगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि। तुला राशि, पड़ोसी का आपको सहयोग मिलेगा, किसी से धोखा ना करें, लंबी बीमारी में आराम महसूस करेंगे। शुभ रंग है आसमानी, आज क्या करना है उपाय, आज ज्वार का दान करना है तो दिन अच्छा रहे। वृश्चिक राशि, अपनी जिम्मेदारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ठीक से निभाएं, गलत खान पान से आपको दूर रहना है। नौकरी में सफलता का प्रयास बिल्कुल जारी रखें, आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। शुभ रंग है गेरुआ, आज अन्न और मीठे फल के साथ आप आटे का दान भी कर सकते हैं। धनुराशि, प्रशासनिक अधिकारी से आज आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। अपने पिता को मनाने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लें, उन्हें मिठाई खिलाएं। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, शुभ रंग है सुनहरी, आज देवी लक्ष्मी के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। आइए मित्रों बात करते हैं तीसरे उस महा उपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा कर सकता है। मित्रों, अगर आपको कोई सेहत की कोई समस्या है, अगर आप अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो बिल्कुल ना घबराइए। सुबह के समय खाली पेट एक गिलास पानी में या एक कप पानी में कम से कम एक चम्मच सेब का सिरका मिलाइए और उसका सेवन करिए। ऐसा लगातार कुछ समय तक करने से आपकी स्किन की समस्या धीरे धीरे कम होगी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, वाहन ध्यान से चलाएं, जल्दबाजी से कोई काम ना करें, पित्त की समस्या में आराम होगा। शुभ रंग है गाजरी, आज पेठा दान कर दीजिए तो हर तरीके से लाभ हो सकता है। कुंभ राशि, साझेदारों से संबंध आज पहले से अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। परिवार से कोई बात ना छुपाएं, सुबह के समय योग अभ्यास करें। शुभ रंग है गुलाबी, आज किसी भी धार्मिक स्थल पर घी का दीपक जला दीजिए तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। मीन राशि, सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, यानी कि आपका समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान की खूब प्राप्ति होगी। नौकरी के नए अवसर आपको मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में कोई चेंज नहीं करना है। शुभ रंग है आपके लिए सफेद, आज छोटे बच्चों को मिश्री खिलाइए, सौंफ खिलाइए तो आपका दिन सर्वोत्तम साबित हो सकता है।
आइए मित्रों बात करते हैं उस महाउपाय की जो हर दुख परेशानी को खत्म करने के साथ ही हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचा सकता है। भाई अगर आप चाहते हैं हर नकारात्मक ऊर्जा हर दुख परेशानी संकट आपसे दूर रहे तो एक खास उपाय आपको आज करना है। रात में सोने से पहले दोनों पैर नमक के गुनगुने पानी में आपको थोड़ी देर रखने होंगे। वहीं पर बैठकर या खड़े होकर ओम मंत्र का 11 बार जाप करना है। जाप के बाद पैर जो है पानी से बाहर निकालिए, पैरों को पोंछिए और उस पानी को आप अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। यकीन मान के चलिए यह छोटा सा उपाय आपको हर दुख परेशानी संकट से भी बचाएगा और हर बीमारी भी धीरे धीरे कम होगी।